ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक चिड़िया जो है दाना चुग रही, दाल का जो है दाना। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। और आज हम आ चुके हैं सिकंदर लोदी के जो वजीर थे मियां हुआ उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद के पास में। और ये मस्जिद है दोस्तों मोठ मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है मोठ मस्जिद। इसकी हिस्ट्री जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके आसपास जो खेती हुआ करती थी दाल की खेती, इसीलिए इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा इस मस्जिद के अंदर जाके। इस मस्जिद का चेहरा आप देख रहे होंगे बंदे, लेकिन हम इसको खोलते हैं और इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं नया ब्लॉग। फाइनली दोस्तों हम लोग जो है इस मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इस मस्जिद को कब बनवाया था और क्यों बनवाया था। तो सिकंदर लोदी का जो टाइम था दोस्तों, उनके टाइम में एक वजीर थे बुआ मियाँ, उन्होंने क्या देखा कि एक चिड़िया थी, वो किसी काम से इसी एरिया में आए थे और एक चिड़िया थी, उन्होंने देखा चिड़िया जो है एक दाना लाई और उसकी चोंच से जो दाना गिर जाता है, गिरने के बाद उस दाने को वो फिर चुगती है। तब जो बुआ मियाँ थे उन्होंने ये नोटिस किया कि अनाज जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में हम लोगों के लिए, गॉड गिफ्ट है एक तरीके का। उन्होंने क्या करा, एक आइडिया लिया और उस आइडिया को सिकंदर लोदी के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि हम इस दाने के लिए दाल की मतलब खेती करेंगे और उस खेती से जो रेवेन्यू होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से हम एक मस्जिद बनेंगे। तो सिकंदर लोदी ने दोस्तों अपने हाथों से इस मस्जिद की नींव रखी, उनको इतना आइडिया जो है ये पसंद आया था, उसके बाद ही इस मस्जिद का जो है निर्माण करा दिया था। और कहते ये भी दोस्तों सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने अपने पर्सनल के लिए, मतलब यहाँ पे उनके परिवार आए और वो मतलब नमाज पढ़े, इसलिए भी बनाई थी। और इसके आसपास जो खेती हुआ करती थी उस खेती से इस मस्जिद का निर्माण करा गया। और अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग आते हो तो अकेले बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी सेफ एरिया नहीं है। आना तो अपनी दोस्तों के साथ आना, अकेले मत आना, मतलब नशेड़े वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है दाल वगैरह अभी पड़ी हुई। यहाँ की एक खासियत और है दोस्तों, यहाँ की जो देखभाल है वो यहाँ के एक हिंदू परिवार करते हैं। शाम को 5 बजे ये जो है ये मस्जिद बंद कर दिया जाती है, बाहर से जो है ताला लगा दिया जाता है। और अब मैं आपको दोस्तों इस मस्जिद के ऊपर लेके चलता हूँ और इस मस्जिद के ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। कहते हैं इस मस्जिद के जो ऊपर का जो व्यू है काफ़ी शानदार व्यू है, आइए। दोस्तों सन 1505 में इस मस्जिद को बनवाया गया था और मियां बुआ द्वारा इस मस्जिद को बनवाया गया था। तो मैंने आपको बताया इस मस्जिद की हिस्ट्री और अब मैं जो है आपको इस मस्जिद के ऊपर लेके चलता हूँ। अंदर से मैंने आपको दिखाया इसका जो व्यू है कितना शानदार और खूबसूरत व्यू है। ये अलग अलग जो है मेहराब इसके बने हुए हैं। तो ये रास्ता दे रखा है दोस्तों ऊपर जाने का और हम लोग जो है इसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर का व्यू दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि सीढ़ियाँ जो है एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो अपना ध्यान से चलना भाई। अगर आप लोग आते हो तो हम भी लोग जो है देख के चलेंगे। मेरा फ्रेंड आ रही है, मेरे पीछे पीछे आ रही है, हम लोग जो अभी इससे ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक शानदार व्यू आता है और हम लोग जो अब इसके टॉप पे जा रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी। तो दोस्तों हम लोग जो इसके ऊपर पहुंच चुके हैं। पहला गुंबद ये है और दूसरा गुंबद ये है यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको इसके ऊपर लेके चल आ चुका हूँ। ये देखिए ये शानदार व्यू कितनी ऊंचाई पे है। और वहाँ देखो वहाँ पे जो है दाल अभी पड़ी हुई, इसीलिए इस मस्जिद को जो है मोठ वाली मस्जिद कहा जाता है। यहाँ पे चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है।
तो दोस्तों इस टाइम जो मैं मस्जिद के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने आपको नीचे इसकी हिस्ट्री बताई कि इस मस्जिद की जो हिफाजत है जो देख रहे थे वो यहाँ की एक हिंदू फैमिली करती, तो ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी। ठीक है, और यहाँ पे कोई गार्ड नहीं है, यहाँ की देखभाल जो है वो हिंदू फैमिली करती है, और यहाँ पे जो मतलब मशीडे वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आते आते रहते हैं, कभी बियर की बोतलें जो यहाँ पे पड़ी रहती हैं। आप लोग अकेले बिल्कुल मत आना, इस जगह का नाम है मोठ मस्जिद, इस मस्जिद को जो है मोठ मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जगह तो दोस्तों साउथ एक्सटेंशन में पड़ती है, अगर आप लोग आते हो तो साउथ एक्सटेंशन नियर बाई मेट्रो स्टेशन इसका पड़ेगा, और ये इसकी हिस्ट्री है दोस्तों। तो दोस्तों इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।